दोस्तों आपने देखा होगा आजकल जो फोन्स आ रहे हैं नए नए, जैसे कि आईफोन और गूगल पिक्सल, उनके अंदर वीडियो स्टेबलाइजेशन का फीचर आज आ गया है, जिससे कि वीडियो जो है काफ़ी स्मूथ बनती है और देखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप यही फीचर अपने किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में कैसे ला सकते हैं और अपनी किसी भी वीडियो को काफ़ी स्मूथ बना सकते हैं। तो वो जानने के लिए आप ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। तो इसके लिए आपको गूगल फोटोज़ का सबसे लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना होगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको जो भी वीडियो स्टेबलाइज करनी है आपको उस पर जाना है, उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि अब मेरे को ये वाली वीडियो जो स्टेबलाइज करनी है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। आप यहाँ से इसको प्ले करके देख सकते हैं, अभी जो वीडियो है काफ़ी शेकी है और बिल्कुल भी जो है स्मूथ नहीं आ रही है। तो यहाँ से आप इसको प्ले करके देख सकते हैं। फिर स्टेबलाइज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक बार स्क्रीन पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको नीचे से सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक स्टेबलाइज का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको इस पर भी जो है क्लिक कर देना है। स्टेबलाइज पर टैप करने के बाद ही आपकी जो है स्टेबलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। अब ये प्रोसेस जो है अलग अलग टाइम लेती है, आपकी वीडियो की लेंथ के हिसाब से जो है टाइम लेती है ये। तो वीडियो जो है स्टेबलाइज हो चुकी है, तो आपको मैं यहाँ से प्ले करके दिखा देता हूँ। देखिए मैं यहाँ से आप जब प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं वीडियो जो है पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गई है। तो अब आपको इसको सेव कैसे करना है, आप जब स्क्रीन पर एक बार टैप करते हैं तो आपको ऊपर जो है यहाँ पर सेव का ऑप्शन मिल जाता है, आप वहाँ से टैप करके इसको सेव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ।